इस वीडियो को ध्यान से समझने के लिए जहां आवश्यक हो आप वहां पर पॉज कर सकते हैं, खासकर मैप्स और डायग्राम समझने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम श्रवण है और स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल स्मार्ट सिटी गाइड में। मैंने मेट्रो रेल प्रोजेक्ट सीरीज के पार्ट 1 में इन सभी सिटीज को ऑलरेडी कवर्ड किया हुआ है। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है या फिर ऊपर आई बटन में मिल जाएगा, आप वहां से भी जाकर देख सकते हैं। और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि वर्तमान में हमारे देश में बहुत सारे सिटीज में मेट्रो रेल प्रोजेक्ट्स पर काम चल रहा है, लेकिन आप लोगों को समझना होगा कि सभी सिटीज को मैं एक वीडियो में शामिल नहीं कर सकता हूं, इसीलिए पार्ट वाइज वीडियो बना रहा हूं। तो इस मेट्रो रेल सीरीज के पार्ट 2 में हमारे देश के अगले 5 सिटीज में बनने वाले मेट्रो रेल प्रोजेक्ट के बारे में विस्तार में चर्चा करेंगे। तो अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बगल के बेल आइकन को भी जरूर से प्रेस कर लें। तो चलिए शुरू करते हैं। नंबर 5 पे बात करते हैं पटना मेट्रो के बारे में, जिसको कि बिहार राज्य में बनाया जा रहा है। पटना मेट्रो का निर्माण दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड और पटना मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड द्वारा किया जा रहा है और वर्तमान में पटना मेट्रो के फेज 1 का काम अंडर कंस्ट्रक्शन स्टेज में है। पटना मेट्रो के फेज 1 में कुल 2 लाइन्स बनाए जाएंगे और इन दोनों लाइन्स की कुल लंबाई लगभग 30.91 किलोमीटर होगी। पटना मेट्रो में स्टैंडर्ड गेज ट्रैक का यूज किया जाएगा। लाइन 1 जो कि ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर होगा, दानापुर कैंट से शुरू होकर खेमनीचक तक जाएगी और इसकी टोटल लेंथ 16.86 किलोमीटर होगी। इस लाइन में टोटल 14 स्टेशन होंगे। लाइन 2 नॉर्थ साउथ कॉरिडोर पटना जंक्शन रेलवे स्टेशन से शुरू होकर न्यू इंटर स्टेट बस टर्मिनस तक जाएगी और इसकी टोटल लेंथ 14.05 किलोमीटर होगी। इस लाइन में टोटल 12 स्टेशन होंगे और वर्तमान में लाइन 2 के 6.107 किलोमीटर के सेक्शन पे, जो कि मलाही पकड़ी से न्यू ISBT तक है, इसके कंस्ट्रक्शन का काम स्टार्ट हो चुका है और इसमें टोटल 5 स्टेशन होंगे। पटना मेट्रो के फेज 1 के निर्माण में कुल 19,500 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे एवं ये सभी कॉन्ट्रैक्टर्स पटना मेट्रो का निर्माण कर रहे हैं और फ्यूचर में बहुत सारे कॉन्ट्रैक्टर्स पटना मेट्रो प्रोजेक्ट से जुड़ेंगे। पटना मेट्रो का फेज 1 2024 तक बनकर तैयार हो जाएगा, लेकिन बिहार सरकार का टारगेट है कि पटना मेट्रो के कुछ पार्शियल रूट पे 2022 तक मेट्रो चलाया जाए। अब नंबर 4 पे बात करते हैं कानपुर मेट्रो के बारे में, जिसको कि उत्तर प्रदेश राज्य में बनाया जा रहा है और कानपुर मेट्रो को उत्तर प्रदेश मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड द्वारा ऑपरेट किया जाएगा। कानपुर मेट्रो के फेज 1 में टोटल 2 लाइन्स का निर्माण किया जाएगा, जिसकी टोटल लेंथ 32.385 किलोमीटर होगी और कानपुर मेट्रो में SG ट्रैक्स का यूज किया जाएगा। लाइन 1 ब्लू लाइन IIT कानपुर से शुरू होकर नौबस्ता तक जाएगी और इसकी टोटल लेंथ 23.785 किलोमीटर होगी। इस लाइन में टोटल 22 स्टेशन होंगे और वर्तमान में इस लाइन पर इनिशियल लेवल में 8.728 किलोमीटर के सेक्शन का निर्माण कार्य शुरू हो चुका है, जो कि IIT कानपुर से मोती झील तक होगा। लाइन 2 रेड लाइन चंद्रशेखर आजाद यूनिवर्सिटी से शुरू होकर जौराली तक जाएगी और इसकी टोटल लेंथ 8.6 किलोमीटर होगी और ये सेक्शन पूरी तरीके से एलिवेटेड होगा। इस लाइन में टोटल 9 स्टेशन होंगे और कानपुर मेट्रो के फेज 1 के निर्माण में कुल 11,076 करोड़ रुपए खर्च होंगे और ये 2024 तक बनकर तैयार हो जाएगा और ये सभी कॉन्ट्रैक्टर्स कानपुर मेट्रो का निर्माण कर रहे हैं। नंबर 3 पे बात करते हैं नागपुर मेट्रो के बारे में, जो कि महाराष्ट्र स्टेट में स्थित है और नागपुर मेट्रो महाराष्ट्र मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड द्वारा ऑपरेट किया जाता है, जिसको कि महा मेट्रो के नाम से भी जानते हैं। वर्तमान में नागपुर मेट्रो के 24.5 किलोमीटर का लाइन ऑपरेशनल है, जो कि फेज 1 में आता है और फेज 1 के बाकी के लाइंस के कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है। नागपुर मेट्रो के फेज 1 में टोटल 2 लाइंस है, जिसकी टोटल लेंथ 41.7 किलोमीटर है और इसके कंस्ट्रक्शन का काम वर्तमान में चल रहा है। लाइन 1 ऑरेंज लाइन जो कि नॉर्थ साउथ कॉरिडोर होगा, ऑटोमोटिव स्क्वायर से खापरी तक जाएगी और इसकी टोटल लेंथ 22.293 किलोमीटर होगा और पूरी तरीके से एलिवेटेड सेक्शन होगा। इस लाइन में टोटल 20 स्टेशन होंगे। वर्तमान में इस लाइन का 13.5 किलोमीटर का सेक्शन ऑपरेशनल है, जिसमें टोटल 11 स्टेशन है और बाकी के लाइन पे अभी कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, जिसमें टोटल 9 स्टेशन अंडर कंस्ट्रक्शन है। लाइन 2 एक्वा लाइन जो कि ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर होगा, प्रजापति नगर से लोकमान्य नगर तक जाएगी और इस सेक्शन की कुल लंबाई 19.407 किलोमीटर होगा और इस एक्वा लाइन का 11 किलोमीटर का सेक्शन ऑपरेशनल है, जिसमें टोटल 6 स्टेशन है। बाकी के सेक्शन पे काम चल रहा है, जिसमें 14 स्टेशन अंडर कंस्ट्रक्शन है। यह एक्वा लाइन पूरी तरीके से एलिवेटेड सेक्शन होगा। नागपुर मेट्रो में स्टैंडर्ड गेज ट्रैक का यूज किया जाएगा। नागपुर मेट्रो के फेज 1 के निर्माण में कुल 8,680 करोड़ रुपए खर्च होंगे और ये 2022 तक बनकर तैयार हो जाएगा और ये सभी महत्वपूर्ण कॉन्ट्रैक्टर्स नागपुर मेट्रो का निर्माण कर रहे हैं। इसके अलावा वर्ष 2019 में नागपुर मेट्रो के फेज 2 को भी अप्रूवल मिल चुका है, जिसकी कुल लंबाई 48.3 किलोमीटर होगी और फेज
2 फेज 1 के लाइंस का एक्सटेंशन होगा। फेज 2 के अंतर्गत कुल 5 लाइंस का निर्माण किया जाएगा, जिसको रीच 1A, 2A, 3A, 4A और 5 नाम दिया गया है। रीच 1A मिहान बूटी बोरी कॉरिडोर मिहान से शुरू होकर MIDC ESR तक जाएगी और इसकी टोटल लेंथ 18.7 किलोमीटर होगी। यह लाइन 1 ऑरेंज लाइन का साउथ एक्सटेंशन होगा और इस लाइन में टोटल 10 स्टेशन होंगे। रीच 2A जो कि ऑरेंज लाइन 1 का नॉर्थ एक्सटेंशन होगा, ऑटोमोटिव स्क्वायर से शुरू होकर कान्हन तक जाएगी। इस लाइन को कामटी कॉरिडोर कहा जाएगा, जिसकी टोटल लेंथ 13 किलोमीटर होगी। रीच 3A हिंगना कॉरिडोर लोकमान्य नगर से शुरू होकर हिंगना तक जाएगी और यह लाइन 2 एक्वा लाइन का वेस्ट एक्सटेंशन होगा। इसकी टोटल लेंथ 6.6 किलोमीटर है और इसमें टोटल 7 स्टेशन होंगे। रीच 4A कापसी कॉरिडोर प्रजापति नगर से शुरू होकर ट्रांसपोर्ट नगर तक जाएगी और यह लाइन 2 एक्वा लाइन का ईस्ट एक्सटेंशन होगा। इसकी टोटल लेंथ 5.5 किलोमीटर होगी और इसमें टोटल 3 स्टेशन होंगे। रीच 5 वाडी कॉरिडोर वासुदेव नगर से शुरू होकर वाडी तक जाएगी और इसकी टोटल लेंथ 4.5 किलोमीटर होगी और इस लाइन में टोटल 3 स्टेशन होंगे। और फेज 2 के निर्माण में कुल 11,216 करोड़ रुपए खर्च होंगे और 2025 तक बनकर तैयार हो जाएगा। नंबर 2 पे बात करेंगे दिल्ली मेट्रो के बारे में, जो कि दिल्ली NCR में स्थित है और दिल्ली मेट्रो को दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड द्वारा ऑपरेट किया जाता है। वर्तमान में दिल्ली मेट्रो हमारे देश की सबसे लंबी मेट्रो नेटवर्क है और अगर बात करें दिल्ली NCR में तो टोटल 12 लाइन्स ऑपरेशनल है। लाइन 1 टू लाइन 10 प्लस 1 एक्वा लाइन इन नोएडा एंड 1 रैपिड मेट्रो लाइन इन गुड़गांव और इन सभी 12 लाइन्स की कुल लंबाई 393.41 किलोमीटर है, जिसमें 391.38 किलोमीटर ऑपरेशनल है और यह सभी लाइन दिल्ली मेट्रो के फेज 1, फेज 2 और फेज 3 के अंतर्गत निर्माण किए गए हैं। और वर्तमान में दिल्ली मेट्रो के फेज 4 का कंस्ट्रक्शन वर्क स्टार्ट हो चुका है, जिसमें टोटल 6 लाइन्स बनाए जाएंगे और इसकी टोटल लेंथ 103.95 किलोमीटर होगी और इन 6 लाइन्स में से 4 लाइन्स एग्जिस्टिंग रूट्स का एक्सटेंशन होगा एवं 2 नए लाइन्स का निर्माण किया जाएगा। वर्तमान में फेज 4 के 6 लाइन्स में से 3 लाइन्स को अप्रूव किया जा चुका है, जिसकी टोटल लेंथ 61.679 किलोमीटर है और बाकी के लाइन्स को भी बहुत जल्द ही अप्रूव किया जाएगा। एक्सटेंशन ऑफ लाइन 1 रेड लाइन फेज 4 के अंतर्गत इस लाइन का निर्माण रिठाला से नरेला तक किया जाएगा और इसकी टोटल लेंथ 21.73 किलोमीटर है और इसमें स्टैंडर्ड गेज ट्रैक का यूज किया जाएगा। यह लाइन एक मेट्रो लाइट लाइन हो सकता है, जिसमें 3 कोचेज वाले लाइट मेट्रो रेल चलाए जाएंगे। यह लाइन पूरी तरीके से एलिवेटेड होगा और इसमें टोटल 16 स्टेशन होंगे। इस मेट्रो लाइट लाइन के निर्माण में कुल 2,914 करोड़ रुपए खर्च होंगे और 2025 तक बनकर तैयार हो जाएगा, लेकिन अभी इस लाइन का अप्रूवल पेंडिंग है और फ्यूचर में इस लाइन को फर्दर एक्सटेंड करके नरेला से कुंडली तक बनाया जाएगा, जिसकी टोटल लेंथ 4.86 किलोमीटर होगी। एक्सटेंशन ऑफ लाइन 8 मेजेंटा लाइन फेज 4 के अंतर्गत मेजेंटा लाइन को जनकपुरी वेस्ट से RK आश्रम तक एक्सटेंड किया जाएगा और इसकी टोटल लेंथ 28.92 किलोमीटर होगी और इसमें स्टैंडर्ड गेज ट्रैक का यूज किया जाएगा। इस लाइन में टोटल 22 स्टेशन होंगे एवं इस लाइन को अप्रूव किया जा चुका है और इस लाइन का कंस्ट्रक्शन वर्क स्टार्ट हो चुका है। एक्सटेंशन ऑफ लाइन 7 पिंक लाइन फेज 4 के अंतर्गत पिंक लाइन को मुकुंदपुर से मौजपुर तक एक्सटेंड किया जाएगा, जिसकी टोटल लेंथ 12.54 किलोमीटर होगी और इसमें स्टैंडर्ड गेज ट्रैक का यूज किया जाएगा। यह लाइन पूरी तरीके से एलिवेटेड होगा और इसमें टोटल 8 स्टेशन होंगे। इस लाइन को अप्रूव किया जा चुका है। एक्सटेंशन ऑफ लाइन 5 ग्रीन लाइन इस लाइन को इंद्रलोक से इंद्रप्रस्थ तक एक्सटेंड किया जाएगा, जिसकी टोटल लेंथ 12.58 किलोमीटर होगी। इस लाइन में स्टैंडर्ड गेज ट्रैक का यूज किया जाएगा और यह पूरी तरीके से अंडरग्राउंड सेक्शन होगा। इस लाइन में टोटल 9 स्टेशन होंगे। इस लाइन का अप्रूवल अभी पेंडिंग है। लाइन 11 रोजवुड लाइन फेज 4 के अंतर्गत तुगलकाबाद से एरो सिटी तक लाइन 11 रोजवुड लाइन का निर्माण किया जाएगा, जिसकी टोटल लेंथ 20.20 किलोमीटर होगी। इसमें स्टैंडर्ड गेज ट्रैक का यूज किया जाएगा। इसमें टोटल 15 स्टेशन होंगे। यह लाइन पार्शियली अंडरग्राउंड और एलिवेटेड होगा। इस लाइन को अप्रूवल मिल चुका है एंड इसका कंस्ट्रक्शन वर्क स्टार्ट हो चुका है। लाइन 12 लाजपत नगर टू साकेत जी ब्लॉक लाइन इस लाइन की टोटल लेंथ 7.96 किलोमीटर है और इसमें टोटल 6 स्टेशन होंगे। इस लाइन में स्टैंडर्ड गेज ट्रैक का यूज किया जाएगा एवं इस लाइन का अप्रूवल अभी पेंडिंग है। और दिल्ली मेट्रो के फेज 4 के निर्माण में कुल
46,845 करोड़ रुपए खर्च होंगे और ये 2026 तक बनकर तैयार हो जाएगा। और ये सभी कुछ मेजर कॉन्ट्रैक्टर्स दिल्ली मेट्रो का निर्माण कर रहे हैं। इसके अलावा दिल्ली मेट्रो में कीर्ति नगर से द्वारका सेक्टर 25 ECC सेंटर तक अनदर मेट्रो लाइट लाइन प्रपोज्ड है और इस मेट्रो लाइट लाइन की कुल लंबाई 19.15 किलोमीटर है और इसमें स्टैंडर्ड गेज ट्रैक का यूज किया जाएगा और इसमें टोटल 20 स्टेशन होंगे और इसके निर्माण में कुल 2673 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। और फेज 4 का काम कंप्लीट हो जाने के बाद दिल्ली मेट्रो वर्ल्ड का 4th लार्जेस्ट मेट्रो नेटवर्क होगा आफ्टर बीजिंग सबवे, शंघाई मेट्रो एंड ग्वांगझो मेट्रो। अब नंबर 1 पे बात करते हैं चेन्नई मेट्रो के बारे में, जो कि तमिलनाडु स्टेट में सिचुएटेड है। चेन्नई मेट्रो को द चेन्नई मेट्रो रेल लिमिटेड द्वारा ऑपरेट किया जाता है और वर्तमान में चेन्नई मेट्रो में 45.1 किलोमीटर का लाइन ऑपरेशनल है, जिसका निर्माण फेज 1 के अंतर्गत कंप्लीट हो चुका है, जिसमें टोटल 2 मेट्रो कॉरिडोर्स का निर्माण किया गया है, लाइन 1 ब्लू लाइन एंड लाइन 2 ग्रीन लाइन। और वर्तमान में फेज 1 के अंतर्गत ब्लू लाइन के नॉर्थ एक्सटेंशन का काम चल रहा है, जिसके अंतर्गत वॉशरमनपेट से विमको नगर तक के लाइन के कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, जिसकी टोटल लेंथ 9.051 किलोमीटर है। इस लाइन में टोटल 8 स्टेशन होंगे और यह लाइन पार्शियली अंडरग्राउंड और एलिवेटेड होगा। इस लाइन में स्टैंडर्ड गेज ट्रैक का यूज किया जाएगा और इस लाइन के निर्माण में कुल 3,770 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे और ये 2020 तक बनकर तैयार हो जाएगा। इसके साथ ही चेन्नई मेट्रो के फेज 2 के रूट्स को अप्रूव्ड किया जा चुका है और फेज 2 के अंतर्गत टोटल 3 मेट्रो लाइंस बनाए जाएंगे, जिसकी टोटल लेंथ 118.9 किलोमीटर होगी। लाइन 3 पर्पल लाइन माधव राम से सिपकोट 2 तक जाएगी और इसकी टोटल लेंथ 45.813 किलोमीटर होगी। इस लाइन में स्टैंडर्ड गेज ट्रैक का यूज किया जाएगा और यह लाइन पार्शियली अंडरग्राउंड और एलिवेटेड होगा। इस लाइन में टोटल 50 स्टेशन होंगे। लाइन 4 ऑरेंज लाइन लाइट हाउस से शुरू होकर पूनामल्ली बस डिपो तक जाएगी। इसकी टोटल लेंथ 26.09 किलोमीटर होगी। यह लाइन पार्शियली अंडरग्राउंड और एलिवेटेड होगा और इस लाइन में स्टैंडर्ड गेज ट्रैक का यूज किया जाएगा। इस लाइन में टोटल 30 स्टेशन होंगे। लाइन 5 रेड लाइन माधव राम से शुरू होकर सोलिंगाना लूर तक जाएगी और इसकी टोटल लेंथ 47 किलोमीटर होगी। इस लाइन में स्टैंडर्ड गेज ट्रैक का यूज किया जाएगा और यह लाइन पार्शियली अंडरग्राउंड और एलिवेटेड होगा। इस लाइन में टोटल 48 स्टेशन होंगे और चेन्नई मेट्रो के फेज 2 का 80% लाइन अंडरग्राउंड होगा। चेन्नई मेट्रो के फेज 2 के निर्माण में कुल 85,000 करोड़ रुपए खर्च होंगे और ये 2026 तक बनकर तैयार हो जाएगा। और ये सभी कुछ मेजर कॉन्ट्रैक्टर्स चेन्नई मेट्रो के फेज 2 का निर्माण कर रहे हैं। इसके अलावा चेन्नई में लाइट मेट्रो रेल भी प्रपोज्ड है और मेट्रो लाइट लाइन का निर्माण ताम्बरम से वेलाचेरी के बीच में किया जाएगा, जिसकी टोटल लेंथ 15.5 किलोमीटर है और इसमें स्टैंडर्ड गेज ट्रैक का यूज किया जाएगा। चेन्नई मेट्रो लाइट लाइन को चेन्नई मेट्रो रेल लिमिटेड द्वारा ऑपरेट किया जाएगा और इसके निर्माण में अप्रोक्स 1,600 करोड़ रुपए खर्च होंगे। अभी चेन्नई मेट्रो लाइट लाइन का अप्रूवल पेंडिंग है। तो इस वीडियो में आपने हमारे देश के 5 सिटीज के अपकमिंग मेट्रो प्रोजेक्ट के बारे में जाना और जिन सिटीज को इस वीडियो में कवर नहीं किया गया है, आने वाले वीडियोज में उन सिटीज को कवर किया जाएगा। और इस वीडियो का पार्ट 1 का थंबनेल आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा, आप क्लिक कर देख सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बगल के बेल आइकन को जरूर से प्रेस कर दें। मिलते हैं अगली वीडियो में। नमस्कार। जय हिंद।